अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स जी, आप लोगों का सीएसएस एबिलिटी का पास्ट पेपर जो 2016 का, उसका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको एक डाटा दिया गया है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का, और उस डाटा के मुताबिक आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आप हमें मीन फाइंड आउट करके दें, मीडियन, मॉड और रेंज फाइंड आउट करके दें। ये टोटल जो क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमारा जो सीएसएस के जो एबिलिटी का पोर्शन होता है वो टोटल 40 मार्क्स का आपके टोटल होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के। उसमें आप लोगों ने 5 मार्क्स को सही जस्टिफाई करना होता है, ताकि आप लोगों को 4 या 4.5 या इवन दैट आप लोग उसमें 5 मार्क्स भी प्रॉपरली गेन कर सकते हो। यानी 40 में से आप 35 अबव मार्क्स ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को इसका प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट करना चाहिए कि किस तरह हम लोग 5 मार्क्स या 4.5 मार्क्स हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो आपसे 4 टॉपिक पूछे जा रहे हैं, और ये 4 टॉपिक जो हैं ये आपके टोटल 5 मार्क्स के 4 टॉपिक हैं 5 मार्क्स के। तो इसलिए अब आप लोगों ने इसको कैसे ब्रीफली आपने डिस्क्राइब करना वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है उसमें आपने जो भी डाटा आपको दिया गया वो आप लोगों ने इस तरह लिख लेना है। आपने इसको लिखना है गिवन डाटा या गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन, राइट। तो अब यहां पे अब आप लोगों ने ये लिखना है कि स्टूडेंट्स गिवन एजेस इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स के जो एजेस दी गई हैं उनका क्या क्या डाटा है, 15, 16, 16, 16, 17, 17 और 18 और 19। यानी कि जब आप लोग अपने पेपर पे जब आप लोग इस तरह डाटा लिख लेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आगे इसको सॉल्व करने में। अब पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें आप मीन फाइंड आउट करके दें, तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सबसे पहले आप लोगों से मीन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पे आपने लिखना है मीन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। फिर आपने उसको बताना है कि मीन है क्या, मीन इज इक्वल टू, यानी आपने इसका फॉर्मूला लिखना है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड नंबर ऑफ वैल्यूज। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन दो नाम और भी होते हैं, इसको हम लोग मीन भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग अरिथमेटिक मीन भी पढ़ते हैं, इसी को हम लोग एवरेज भी पढ़ते हैं। अगर आप लोगों के जेहन में एवरेज का अगर कंसेप्ट है तो आप ये कहें कि एवरेज सेम टू सेम हुई है कि वैल्यूज को हमने प्लस करना है डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप लोग इसको पुट कर सकते हैं पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम गिवन डाटा इन इक्वेशन 1। आप लोग इसको इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं या आप लोग लिख सकते हैं इन इक्वेशन ऑफ मीन, राइट, दोनों तरीके हैं। तो आप लोग मीन के इक्वेशन में आप लोग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज में अब आप लोगों ने इन सबको सम कर देना है, 15 + 15 + 16 + 16 + 16 + 17 + 17 + 18 + 19 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिवाइडेड बाय 9, राइट। तो इसका जितना भी सम बनेगा वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी इसको प्लस करने में आपको मुझे टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि इसका सम आया जी 260, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको इस पर डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूँ ये 270 है तो पूरा मेरे ताकि डिवाइड हो जाए, 270 डिवाइडेड बाय 9 आप करेंगे, 9 × 3 = 27, इसका मतलब 30 आप लोगों का राइट आंसर है, मीन इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो एंड पे आप लोगों ने एक और लाइन भी लिखनी है, हेंस द मीन फॉर फॉलोइंग अबव गिवन डाटा इज 30। अब आप खुद आप देख लें कि 5 नंबर में से उसने ये 4 टॉपिक आपको दिए हैं,
तो ये चार टॉपिक में ये जस्ट आप लोगों ने एक टॉपिक को अभी आप लोगों ने इसको ये डिफाइन किया, इसको आपने जस्टिफाई किया, ठीक है। अभी हमारे तीन टॉपिक हमारे और भी रहते हैं, इसका मतलब पाँच नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना इनफ है कि आप उसको एलेबोरेट करके। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे हम लोग कोई वांटेस्ट पेपर दे रहे हैं, जैसे अभी हमारा रिसेंटली अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC का PCS वगैरह हुआ है, उसमें उनका स्क्रीनिंग टेस्ट था, उसमें भी फॉर्मल अगर ये अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें आपने मेन फाइंड आउट करना है, तो उसके साथ ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन वन एंड हैंस दिस एंड दिस, ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत है, उसमें सिर्फ आपने वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड टोटल नंबर कर देना, ठीक है। यानी कि उसके अंदर हमें सात स्टेटमेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो CSS की एबिलिटी होती है वो डिफरेंट वे में आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। आप लोगों ने उसके अंदर बाकायदा जो जो स्टेप आप लोग उसको सॉल्व कर रहे हो वो स्टेप बाकायदा आप लोगों ने साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, ठीक है जी। ये तो हमारा था मीन का। अब देखिए इसके अंदर दूसरा जो पॉइंट है मीडियन, वो हम लोग कैसे इसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें दोबारा आपने यही लिखना है गिवन डाटा दिस राइट गिवन इंफॉर्मेशन, उसमें आप लोगों ने सबसे पहले जी ये बताना है कि मीडियन होता क्या है। मीडियन मीडियन का कंसेप्ट होता है मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। अब ये जो आप लोगों के पास जो डाटा जो गिवन है उसको आप लोगों ने दोबारा जी लिखना है 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18 और 19। अब सबसे पहले आप लोगों ने डाटा को काउंट करना है कि डाटा है कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज का है। इसका मतलब बाय टेकिंग द मिडिल वैल्यू ऑफ above data we note that 1, 2, 3, 4, 16 is the middle value, so 16 is our required value या answer for मीडियन। आप लोगों ने यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखनी है, अब ये जो 2016 के पेपर के अंदर ये आपको जो डाटा दिया गया था ये लकीली ऑलरेडी अरेंज्ड डाटा था, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, ये आप लोगों का वन टेस्ट में पेपर में भी आ सकता है, CSS में दोबारा आ सकता है, कि जो मीडियन का टॉपिक होता है मीडियन में आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि क्या ये अरेंज्ड है कि नहीं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा इस तरह भी दे सकता था 17, 18, 17, 16, 16, 19 और 15 और 15, इस तरह वो डाटा आपको दिया जा सकता था, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में डाटा होता तो सबसे पहले आप लोगों ने डाटा को अरेंज करना है। आप ये समझ लो जी आप अरेंज फॉर्म में है, ठीक है। तो अरेंज करने के बाद आप लोगों ने उसके मिडिल वैल्यू पर देखनी होती है कि इसके अंदर मेरी मिडिल वैल्यू कौन सी है, राइट। एक और चीज, अब ये टोटल 9 वैल्यू थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का मतलब कि आप लोग 8 वैल्यूज को आप लोग छोड़ सकते हो। 4 वैल्यूज मैंने ये छोड़ दी और 4 वैल्यूज मैंने ये छोड़ दी, सेंटर वाली ये जो वैल्यू थी उसको मैंने पिक किया और वही मेरे रिक्वायर्ड आंसर था। ये अगर 9 के बजाय अगर 10 वैल्यूज होती, फॉर एग्जांपल इसके साथ अगर 20 और होता तो फिर क्या होना था। अब 10 वैल्यूज है, 10 का आप लोग मिडिल वैल्यू क्या निकालेंगे, 10 की मिडिल वैल्यू तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 10 की आप लोगों ने सेंटर वाली दो वैल्यूज को आपने पकड़ना है। 8 वैल्यूज आपने ये छोड़ दी, 8 वैल्यूज आप लोगों ने ये छोड़ दी, सॉरी 4 और 4 8, ये जो सेंटर वाले जो दो वैल्यू थे इनको आपने प्लस करना है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी कि आप लोग ये याद रखो अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई तो उनके सेंटर वाली वैल्यू, अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाए तो उनमें आप लोगों ने सेंटर वाली दो वैल्यूज को पकड़ना है, उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो इसका आपका राइट आंसर आ गया 16.5, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह आपका क्वेश्चन कोई आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, राइट। नेक्स्ट इसका मोड का कंसेप्ट है, मोड का कंसेप्ट भी आपको बता दें, मोड का कंसेप्ट क्या है उसका आपको क्वेश्चन में भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी आप लोगों ने मोड की हेडिंग देनी है, राइट। थर्ड आप मोड ऑफ फाइंड आउट कर रहे हो और आप लोगों ने मोड को डिफाइन करना है कि मोड है क्या। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड
value of the given data या most frequent value, ठीक है, जो बार बार जो repeat होके आ रही होती है वो आप लोगों का mode होता है। अब इस data के अंदर अगर देखा जाए तो mostly कौन सी value repeat हुई है, 15 देखे two time है, 15 is repeated twice या two time, 16 is repeated three times, 17 repeated twice, 18 is not repeated, 19 is not repeated, so 16 is repeated 3 times in the data, right? 16 will be the mode of following data, right? ये मेरा right answer हो जाएगा कि जो 16 है वो 3 दफा repeat हुई है, इसलिए 16 मेरा इसमें mode की value है, right जी? Okay? नेक्स्ट उसने ये पूछा हुआ था रेंज क्या होता है। रेंज सबसे पहले आपने उसको जो रेंज डिफाइन करके देना है कि भाई रेंज है क्या। रेंज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसमें भी आपने उसको गिवन डाटा आपने पहले बताना है, देन आपने उसको डिफाइन करना है कि रेंज है क्या। रेंज होता है जी रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये रेंज का कंसेप्ट होता है। मैक्सिमम में से मिनिमम जब आप माइनस करते हैं तो ये आप लोगों के रेंज की वैल्यू आ जाती है। सो रेंज इज इक्वल टू, अब गिवन डाटा में आप लोगों ने लिखना है इन द अबव गिवन डाटा द मैक्सिमम और लार्जेस्ट वैल्यू इज 19 एंड द मिनिमम और स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 15, सो बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन अबव फार्मूला वी फाइंड दैट, जब आप ये वाली वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो आप लोगों ने दोबारा लिखना है रेंज इज इक्वल टू 19 माइनस 15, रेंज इज इक्वल टू 4, so hence the range for above given data is 4, right? तो इस तरह आप लोगों ने उसको ये चार के चार जो पॉइंट पूछे गए हैं आपसे, ये आप लोगों ने चार के चार पॉइंट आपने उसको डिफाइन भी करने हैं और साथ आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन भी करना है, ताकि जो पांच नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम ताकि आप लोगों को 4.5 जो पांच नंबर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पूरे मिल सके, ठीक है जी। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 था, अब इंशाल्लाह आप लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, वो भी अब हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं।